हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी इन्वेस्टर्स का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे दोस्त चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके साथ साथ मेरे दोस्त, आज मैं आपके सामने जिस म्यूचुअल फंड की बात करने जा रहा हूँ तो उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई हैं तो आपको ध्यान देने की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के NAV की बात करूँगा तो स्मॉल कैप कैटेगरी में काफ़ी हद तक वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द कि सही जगह पे इसका NAV इस समय चल रहा है, यानी कि 30 रुपये का है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का ये डाउट आता है कि यार NAV से म्यूचुअल फंड का कोई लेना देना नहीं होता है, तो मैं हम्बली उनसे केवल एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखिए मेरे मित्र, अगर यहाँ पर मैं आपको कोई चीज़ बता रहा हूँ, साथ ही साथ अगर कोई चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ये मैंने नहीं लिखा हुआ है, ये जिस वेबसाइट को मैं फॉलो कर रहा हूँ उस वेबसाइट ने लिखा है, तो डेफिनेटली ये सोचो ना, अगर ये चीज़ इरेलीवेंट है तो NAV होना ही नहीं चाहिए था। सीधा रिटर्न होता, एक्सपेंस रेशियो होता, शेयर्स होता, बात खत्म हो जाती, तो NAV है क्यों? यकीन मानना मेरे दोस्त, शायद आपने किसी CA इंटर के स्टूडेंट से मिलना, या MCOM फाइनल के मिलना, या BCOM में भी है, BCOM में तो लड़का क्या ही पढ़ता है, CA वाले स्टूडेंट से मिलना, क्योंकि अकाउंट्स का नॉलेज उन्हीं को सबसे ज़्यादा होता है, तो उन बच्चों से पूछना, फाइनेंशियल मैनेजमेंट उनके सेकंड ग्रुप में लगता है जो CA इंटर का है, ठीक है, उनसे पूछना NAV को कैलकुलेट कैसे करते हैं। पसीना निकल आता है उप सर से लगा के पैर तक, वो यही NAV होती है, नेट असेट वैल्यू बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस NAV को कैलकुलेट करने के लिए भाई साहब पूरा जद्दोजहद करना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर ये डिस्क्राइब करता है। अब काफ़ी लोग होते हैं, कुछ लोग नए नए टर्म से भी डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि हो गया XIRR करके, एक्सटर्नल यू नो के इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, तो IRR वगैरह वो सब कहीं ना कहीं, देखिए मैं आपको सस्ती चीज़ें, यानी कि मैं आपको सस्ती और अच्छी चीज़ें सही रेट पर प्रोवाइड कर रहा हूँ, यानी कि अब इसको बोलते हैं प्रोफेशनल वे में, किस तरीके से बोलेंगे, मैं आपको एक सरल वे में, एक लेमैन लैंग्वेज में आपको नॉलेज प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। इसकी वजह से क्या होता है, आप XIRR वगैरह मत उठाओ, केवल अगर आप NAV को ही अगर सही जगह पे पकड़ लेते हैं तो यकीन मानना मेरे दोस्त, आप भी म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में एक अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। तो डेफिनेटली होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि NAV की कोई रेलिवेंस नहीं है, तो डेफिनेटली फिर आपके ऊपर है कि NAV को आप मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस एक अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ लेना वही बहुत है। अगर मैं इस म्यूचुअल फंड के NAV की बात करूंगा तो 30 रुपये का इसका NAV चल रहा है। एक साल में रिटर्न की बात करेंगे 31.96% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने, भाई साहब एक साल में 31% का CAGR बहुत होता है यार। वॉरेन बफेट ने बात करेंगे भाई साहब, उसकी पूरी लाइफ में 19.5% के CAGR के हिसाब से उसने रिटर्न कमा के दिया है, ये पूरी लाइफ का उसका अगर मैं एवरेज कर रहा हूँ। पर वहीं जो शुरुआती उसके पीरियड थे ना, उसने करीब 41 से 48% के CAGR के हिसाब से शुरुआती फेज़ में उसने रिटर्न कमाया, ठीक है। और वहीं अगर मैं 3 साल की बात करूँगा तो 41% का CAGR है, और यहीं जबकि मैं मैक्सिमम बात कर रहा हूँ तो 26 यानी कि 26.41% के CAGR के हिसाब से इस म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर्स को रिटर्न डिलीवर करके दिया है, ठीक है। NAV 30 का है, रिटर्न 26% का है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो देखिए 2018 से ही म्यूचुअल फंड काम कर रहा है, जब इसकी NAV 10 रुपये थी और आज 30 रुपये है। अब एक चीज़ बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आपको अभी भी लग रहा है कि NAV का कोई रेलिवेंसी नहीं होती म्यूचुअल फंड की, तो डेफिनेटली इसको फिर 30 रुपये से ही लॉन्च करते वो लोग, है ना, क्या कहते हो, 30 रुपये से अगर लॉन्च करते तो आज भी 30 रुपये होता तो क्या ही रिटर्न बन रहा था। आपको रिटर्न तभी देख, जैसे किसी शेयर का प्राइस जब ऊपर जाता है तब आपको रिटर्न मिलता है, वैसे ही जब किसी म्यूचुअल फंड का NAV ऊपर जाता है तब आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। अब देखिए NAV की रेलिवेंसी एक जगह और भी होती है, मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी मेरे पास ये क्वेश्चंस आ रहे हैं कि NAV क्यों लिखते हो आप, NAV की कोई रेलिवेंसी है नहीं। देखिए यहाँ पर इस जगह पर इसकी NAV कितनी दिख रही है, 11 रुपये और ये 32 पैसे के आसपास है ना, 3.326 पैसे के आसपास, ठीक है। अगर मैं इसको 11 रुपये पकड़ के चल रहा हूँ तो सोच के देखो, अगर किसी बंदे ने 11 रुपये इस जगह पे लगाए होते, ठीक है, अगर किसी बंदे ने 11 रुपये इस जगह पे लगाए होते, उसके बाद में 7 रुपये तक इसकी NAV आ गई, अब 7 रुपये की NAV के साथ अगर कोई बंदा फिर से इसको एवरेज करता
तो आज की डेट पे उसकी एनएवी कितनी चल रही है भाई साहब, करीब करीब चल रही है 30 रुपये। तो कितना तगड़ा रिटर्न उसको मिल सकता था। ठीक, अगर आप ये सोचो कि ये एनएवी 11 रुपये की है, यहाँ भी ये 11 बनी रहती, इधर भी ये 11 बनी रहती और इधर ये 30 की जगह भी 11 बनी रहती, तो क्या ही रिटर्न मिलता। ठीक है, तो इस वजह से एक सस्ती, जब भी एनएवी गिरने लगे ना, और अगर आप एक अच्छे म्यूचुअल फंड्स के साथ हो, तो डेफिनेटली जिस तरीके से शेयर्स में एक्यूमुलेट करते हैं ना, हर 5% की गिरावट पे शेयर्स में एक्यूमुलेट करते हैं, तो डेफिनेटली ऐसे समय पे अगर आप अच्छी क्वांटिटी और उठाना चाहते हैं, अच्छी यूनिट्स बोलेंगे यहाँ पर, अच्छी यूनिट्स और उठाना चाहते हैं, तो देखिए अभी क्या हुआ, अगर आप निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के साथ हो, अगर आप SBI स्मॉल कैप के साथ हो, और या कैनरा रूबेको स्मॉल कैप के साथ हो, किसी भी म्यूचुअल फंड के साथ हो, तो आप देख रहे होंगे 2-3 दिन से, अगर आप रोज ट्रैक करते हो अपने म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो को, तो 2-3 दिन से एनएवी गिर रही है। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर कोई बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो अभी 1-2 दिन अगर और एनएवी गिर जाए, यानी कि 4-5% एनएवी करेक्ट हो जाए, तो डेफिनेटली वैसे समय पे आपको लमसम करने की चेष्टा कर लेनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रिसर्च ने बात करेंगे, तो एक अच्छी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, 4 out of 5 इस म्यूचुअल फंड ने रेट किया हुआ है इस म्यूचुअल फंड को। इसके साथ साथ जो मैं धमाकेदार जो इसके फंड मैनेजर्स हैं, जिन्होंने इस म्यूचुअल फंड को बहुत बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, उनका नाम है चंद्र प्रकाश पादियार साहब और सतीश चंद्र मिश्रा साहब, ये दो इस म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर हैं, तो बढ़िया फंड मैनेजर हैं, आपको शुक्रिया बोलना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ 3 महीने में बात करेंगे, 6 महीने में बात करेंगे, 1 साल में बात करेंगे, 3 साल में इस म्यूचुअल फंड ने 182% का रिटर्न, भाई साहब 3 साल में पैसा डबल कर दिया हो यार, और चाहिए क्या, डबल क्या, 1.82 times है ना, ऑलमोस्ट कुछ ही कम रह गया। रिस्क आपको पता है म्यूचुअल फंड के अंदर वेरी हाई होता है, मैं आपको हमेशा बोलना चाहूँगा, सेबी की तरफ से स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस भी है कि हमें बताना होता है कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, और म्यूचुअल फंड एक इक्विटी मार्केट में आपका पैसा लग रहा है, तो रिस्क तो रहता ही है, तो रिस्क आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ जिस म्यूचुअल फंड की मैं बात कर रहा हूँ आपके सामने, उसका नाम है टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 5683 करोड़ का इसका असेट साइज है। और जब मैंने इस म्यूचुअल फंड का पहली बार वीडियो लाया था, 3500 करोड़ के आसपास का इसका असेट साइज था, 0.25% के आसपास का इसका एक्सपेंस रेशियो था, और जो कैश होल्ड करके चल रहे थे वो करीब करीब चल रहे थे 9-10% के आसपास। अभी देखो इसका कैश होल्डिंग हो गया है 14.13%, इसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ चुका है 0.44% से। कब बढ़ा था एक्सपेंस रेशियो, 1 जुलाई 2023 के बाद से इसका एक्सपेंस रेशियो बढ़ा है। साथ ही साथ जो इसका असेट साइज है वो भी कंटिन्यूअसली बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और बढ़े भी क्यों ना, जबकि इसने रिटर्न भी अच्छा अपने इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करके दे रहा है। जब मैं प्लान की बात कर रहा हूँ, तो आप हमेशा ग्रोथ प्लान को एक्सेप्ट किया करो। ठीक है, जो डिविडेंड प्लान में काफ़ी लोग एक्साइटेड रहते हैं, तो ज़्यादा मेरा मानना है कि ज़्यादा एक्सप्लोर करने की चीज़ें होती नहीं है, स्ट्रिक्ट और स्ट्रेट फॉरवर्ड मोड में आप केवल खरीदा करो, डायरेक्ट प्लान लो और आप ग्रोथ प्लान लो। ठीक है, डायरेक्ट होना चाहिए म्यूचुअल फंड रेगुलर की जगह पे, और डिविडेंड की जगह पे ग्रोथ प्लान होना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं अच्छा रिटर्न मिलता है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। निफ्टी स्मॉल कैप 250 टोटल रिटर्न इंडेक्स को इन्होंने बेंचमार्क के तौर पर लिया। यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि ये स्मॉल कैप 250 क्या है, स्मॉल कैप 250 क्या है, ठीक है, क्या है ये बताओ सभी लोग, क्या है ये मेरे दोस्त और कुछ नहीं है, ये क्या है कि जैसे स्मॉल कैप कैटेगरी की जो टॉप की 250 कंपनियां होंगी, उनमें से कुछ छांट के यहां पर इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। अब वो कौन कौन सी कंपनियां हैं, अभी मैं आगे चल के बात करने वाला हूं। देखिए, म्यूचुअल फंड के एग्जिट लोड से रिलेटेड यहां पर कुछ कहानी लिखी हुई है। एग्जिट लोड को लोग एक्सपेंस रेशियो से सेम समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, एग्जिट लोड म्यूचुअल फंड इस वजह से डालता है ताकि आप फंड को विड्रॉ ना कर पाओ, अगर आप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपसे एग्जिट लोड लिया जाए, यानी कि आप पे पेनल्टी डाली जाए। क्योंकि होता क्या है, किसी भी म्यूचुअल फंड में आप तभी एक अच्छा रिटर्न बांध सकते हो, तभी एक अच्छा मुनाफा बांध सकते हो, जब एटलीस्ट किसी मिनिमम किसी भी म्यूचुअल फंड को रिटर्न देने के लिए 2-3 साल चाहिए ही चाहिए। ये बात अलग है कि इस समय बुल मार्केट चल रहा है, जिसकी वजह से भर भर के रिटर्न मिल रहा है, चाहे आप आज पैसा लगाओ, 2 दिन बाद म्यूचुअल फंड आपको पॉजिटिव देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर एग्जिट लोड से रिलेटेड कुछ कहानी लिखी हुई है। देखिए कहानी क्या है, फॉर यूनिट्स मोर देन 12% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एंड एग्जिट लोड ऑफ 1% इफ रिडीम्ड विद इन 12 मंथ। तो आप इस कहानी को ना देखते हुए केवल आप इतना समझो कि 12 महीने के अंदर निकलोगे तो 1% का अलग से आपसे एग्जिट लोड चार्ज कर लिया जाएगा। ठीक है, और एक्सपेंस रेशियो अलग चीज़ होती है, एक्सपेंस रेशियो होता है जो फंड मैनेजर आपसे चार्ज करता है फंड को मैनेज करने के लिए, और एग्जिट लोड वो होता है कि अगर आप किसी एक प्रेस्क्राइब्ड समय, यानी कि इस केस में कितना प्रेस्क्राइब्ड टाइम था, 12 महीने, अगर आप 12 महीने के पहले निकालोगे तो एडिशनल आपसे 1% का चार्ज ले लिया जाएगा। क्योंकि देखिए फंड मैनेजर क्या होता है ना, वो एक सोच समझ के पैसा लगाता है स्टॉक्स के अंदर।
अब क्या होता है कि आपने पहले ही विड्रॉ कर लिया, आपने आर लगाया, एक महीने के अंदर विड्रॉ कर लिया, आपको पसंद नहीं आया या किसी भी रीजन की वजह से आपको फंड की जरूरत थी, आपने विड्रॉ कर लिया, तो फंड मैनेजर क्या होता है ना कि वो रिटर्न दे नहीं पाता है, उससे उसका जो डिसिप्लिन होता है वो बिगड़ जाता है। तो इसकी वजह से वो डाल देता है कि भाई 1% की पेनाल्टी डाल दो, हो सकता है इन्वेस्टमेंट रुके। जिसमें से अगर मैं बात करूंगा तो भाई साहब क्वांट के काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो पेनाल्टी नहीं डाल रहे हैं, उन्होंने तो फ्री होल्ड दे रखा है, आज पैसा डालो कल चाहो तो कल निकाल लो, कोई एग्जिट लोड नहीं है, पर यहाँ पर एग्जिट लोड डाल रखा है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कैश होल्डिंग 14.13% का कैश होल्ड करके चल रहे हैं, और अगर मैं सेक्टर्स की बात करूँ कि किन किन सेक्टर्स में आपका पैसा लगा हुआ है, तो इन्होंने सबसे ज़्यादा जो टारगेट किया सर्विसेज सेक्टर को किया है 13.04%, फाइनेंशियल को टारगेट किया है, कैपिटल गुड्स को इन्होंने टारगेट किया है, हेल्थ केयर, मटेरियल, केमिकल्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, मेटल्स एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और ऑटोमोबाइल जैसे कुछ खतरनाक, कुछ दिग्गज सेक्टर्स में इन्होंने पैसा लगा रखा है, तो आपकी नज़र यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा यहाँ से कि देखिए, अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर लमसम करना चाहते हैं तो 1 जुलाई के बाद से आप लमसम इस म्यूचुअल फंड ने बंद कर दिया है, टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने बंद किया है, साथ ही साथ निप्पॉन इंडिया के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने भी इन्वेस्टर्स से पैसा लेना लमसम के तौर पर लेना बंद कर दिया था। इसके बाद फिलहाल जिस तरीके से आप SIP आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान चल रहा है, उसी तरीके से आप कंटिन्यूसली आपकी SIP चलती रहेगी। इसके साथ साथ किन किन शेयर्स में आपका पैसा पड़ा हुआ है चलिए देख लेते हैं। ऊपर तो मैंने बात करी कि किन किन सेक्टर्स में पैसा पड़ा हुआ है, और अब बात कर रहे हैं कि उन सेक्टर्स के अंदर किन किन शेयर्स को इन्होंने टारगेट किया है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ IDFC लिमिटेड, एक बेहतरीन स्टॉक है, इस शेयर को इन्होंने 4.18% पैसा इन्होंने डाल रखा है, रेडिको खेतान, BASF इंडिया, क्वेस कॉर्प, UTI एसेट मैनेजमेंट कंपनी। साथ ही साथ जो बंदा स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाता है उसको भी नज़र होना चाहिए कि भाई साहब देखिए, अगर टाटा स्मॉल कैप रिटर्न दे रहा है तो वो इन शेयर्स की वजह से रिटर्न दे रहा है, और फंड मैनेजर का क्वालिटी की वजह से रिटर्न दे रहा है। तो आप देख सकते हो कि ये किन किन क्या क्या इसमें ऐसे फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से इन शेयर्स प्राइस में फंड मैनेजर को ऐसा लगता है कि ये शेयर्स आने वाले समय में इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। रेडिंगटन लिमिटेड, की स्टोन रियल्टर्स लिमिटेड, गुजरात पीपावेव पोर्ट लिमिटेड, अच्छा शेयर है। DCB बैंक लिमिटेड, आल कार्गो लॉजिस्टिक, CE इन्फो सिस्टम्स लिमिटेड, किर्लोस्कर न्यूमेटिक कंपनी, इलांटास, बैक इंडिया एंड एग्रोटेक फूड्स, सुवेन फार्मास्यूटिकल, CIE ऑटोमोटिव इंडिया, शॉपर्स स्टॉप, होंडा सील पावर प्रोडक्ट, हेल्थ केयर ग्लोबल एंटरप्राइज, कृष्णा डायग्नोस्टिक, वेजोवियस इंडिया, कार्बोरंडम यूनिवर्सल, NCC, फेनोलेक्स केबल, KSB, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्रीज, हेकार लिमिटेड, ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, आगजो नोबल इंडिया लिमिटेड, वंडरेला हॉलीडेज, TD पावर सिस्टम्स, नाटको फार्मा, गोकलदास एक्सपोर्ट, इसके साथ साथ MM फॉर्जिंग्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, एवरेडी इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टाइम केमप्लास्ट लिमिटेड, सेवरा सेनेटवायर, नेटवेब टेक्नोलॉजी और गणेशा इकोस्फियर, इसके साथ साथ देवयानी इंटरनेशनल, द रामको सीमेंट, रैलिस इंडिया, रामको इंडस्ट्रीज, इसके साथ साथ किर्लोस्कर फिरोस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसके साथ साथ गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, ग्रेफाइट इंडिया, फाइन ऑर्गेनिक्स लिमिटेड जैसी कुछ दिग्गज कंपनीज में आपका पैसा पड़ा रहेगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ, अभी तक मैंने बात करी स्मॉल कैप, टाटा के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड डायरेक्ट प्लान से रिलेटेड, अब मैं बात करता हूँ टाटा असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में। तो अगर मैं असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में बात करूं तो वन ऑफ द बेस्ट असेट मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया है ये, और इसके साथ साथ 1,25,458 करोड़ का असेट अंडर मैनेजमेंट यानी कि AUM भी ये बताता है कि भाई साहब रिटर्न अगर अच्छा दे रहा है तो असेट अंडर मैनेजमेंट भी इनका बेहतरीन है। 114 स्कीम के साथ ये आते हैं मेरे दोस्त। यहाँ से मैंने टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से रिलेटेड पूरा चीज़ें बताई आपको, रिटर्न के बारे में बताया, एक एक पॉइंट के बारे में बताया, उसकी रेलिवेंसी के बारे में बताया, ठीक है। इसके बाद मैंने फंड मैनेजर के बारे में आपको बताया, इसके साथ मैंने असेट मैनेजमेंट कंपनी के बारे में भी बात करी। होप सो कि यहाँ से सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी। अगर आपके माइंड में कोई अभी भी डाउट चल रहा है तो आप अबाउट सेक्शन में जाइएगा, सबसे पहले डिस्क्लेमर पढ़िए जो सेबी की तरफ से है, मैंडेटरी है और पढ़ना भी जरूरी है, काफ़ी चीज़ें आप उससे भी सीखते हो। उसके बाद नीचे मेल पड़ा होगा, आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मेल के थ्रू कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक बटन पर भी टिक करो। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल बट कुछ नए म्यूचुअल फंड्स के साथ, तब तक के लिए विदा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।